थैंक यू। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? सर वर्ष 2015 से सर DRDO वाहन प्रचालक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रचालक इन DRDO देहरादून। क्या बताइए कि DRDO में आप अभी कार्यरत हैं, ठीक है, बड़ा नज़दीक से आपने देखा होगा DRDO को, कैसा माहौल है वहाँ DRDO का और देहरादून का? DRDO का माहौल से बहुत अच्छा है और रक्षा अनुसंधान में हमारे सच थोड़ा हायरार्की बताइएगा कि किस प्रकार वहाँ कार्यालय का स्वरूप है। कार्यालय सर दो वर्गों में बांटा गया है सर, एक तो तकनीकी स्टाफ है सर जिनका जो स्टार्टिंग होता है टेक्नीशियन निचला स्तर है, उसके ऊपर STA भी होते हैं, उसके ऊपर जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, उसके ऊपर साइंटिस्ट B, C, D करते हुए साइंटिस्ट H तक जाते हैं सर। साइंटिस्ट के H तक। अच्छा। उसके बाद उन्हीं में से सर छाट के जो सेक्रेटरी लेवल होते हैं जैसे DRDO चीफ जो है वो साइंटिस्ट H ही आउट स्टैंडिंग साइंटिस्ट, जैसे जी सतीश रेड्डी जी जो हमारे वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं DRDO के, ये सर उसके संरक्षण। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि देहरादून जो है उसका क्लाइमेट किस प्रकार का है? देहरादून आप पटना आए होंगे, आप कहाँ से, बिहार में कहाँ से हैं आप? लखीसराय जिला से। लखीसराय जिला से। चलिए ठीक है, फिर भी बिहार आप आए होंगे तो बिहार की एक अलग किस्म की जलवायु है, किस प्रकार का देहरादून का जलवायु है वहाँ और उस जलवायु पर किस चीज़ का प्रभाव है? सर चूँकि उत्तराखंड सर एक हिमालयन राज्य है और उसकी राजधानी देहरादून, तो वहाँ सर वेदर समशीतोष्ण और शीतोष्ण कह सकते हैं यहाँ सर, और बिहार के कंपेरिजन कूल है तो ठंडा यहाँ वेदर वार्म है अपने बिहार का। कई बार हम लोग उत्तराखंड में दुर्घटना प्राकृतिक आपदा के बारे में सुनते हैं, जिस प्रकार बिहार में बाढ़ जैसी समस्या है, तो उत्तराखंड में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की समस्या है? सर वहाँ पर जो मूल रूप से देखी जाती है सर इसमें क्लाउड बर्स्ट की जो प्रॉब्लम है अभी, और कुछ पहाड़ी नदियाँ जो डैम वैम का निर्माण हुआ है हमारे, तो अक्षर डैम वगैरह ब्रेक होने की वजह से कई दुर्घटनाएँ देखने को मिली हैं सर उत्तराखंड, और बादल फटने की घटना तो अमूमन होती रहती है। बादल फटने की घटना भी होती है, ठीक है, क्या है बादल का फटना? सर वहाँ पर्वतीय राज्य होने की वजह से अधिक हाई एल्टीट्यूड पर जब क्लाउड ज़्यादा सर तो अचानक से एक जगह पर सर उसका हेवी फॉल हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और किसी प्रकार का लैंडस्लाइड वगैरह भी सुना है? बिल्कुल सर। क्या होता है भूस्खलन? भूस्खलन सर के दो तीन मेन कॉज हैं सर उसके, जहाँ पर एक तो ये कि मानव जनित जो है सर, जो हम वहाँ पे पुल का ब्रिजेस का या अंडरपास का निर्माण कर रहे हैं उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। एक प्राकृतिक जन्म है सर, उसमें बारिश की वजह से होता है, हैवी रेनफॉल की वजह से भी होता है, बाकी अर्थक्वेक अगर आ जाए तो उसमें भूस्खलन की संभावनाएँ रहती है। आपको गाड़ी चलाने का भी अनुभव है, ये बताइए कि यदि मैं गाड़ी चला रहा हूँ 50-60 के स्पीड में फोर व्हीलर, और अचानक पाता हूँ कि मेरा पैर से जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो पाता हूँ कि ब्रेक फेल है, तो ऐसी परिस्थिति में जब ब्रेक फेल मैं पाता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए एक ड्राइवर के रूप में? तो सबसे पहले हमें गियर को निचले गियर मिलाना होगा तुरंत, जैसे 4-3-2-1 करते हुए, और हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हुए हमें, क्योंकि ब्रेक दो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं सर, एक तो आपका पैडल का होता है, एक आपका हैंड में ब्रेक होता है, उसको हम अप्लाई करते हुए और पार्किंग जो हैजार्ड लाइट होता है उसको भी हम जला दें ताकि आगे पीछे की गाड़ी सावधान हो जाए, ये इनमें कुछ त्रुटि है इस वाहन में, इस तरह हम रोकते हुए। ठीक है, और कुछ क्या गाड़ी का इंजन हमें बंद करना चाहिए? गाड़ी का इंजन सर इनिशियली में तो करने पर प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन गियर जब शिफ्ट करके डाउन करते हैं फिर हम बंद कर सकते हैं सर, जब हमारी गाड़ी संतुलन में हो, क्योंकि बीच रोड पे इंजन बंद करके तो हम लेफ्ट राइट भी नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात। सुनील, अब इग्नू से ऑनर्स किए हैं जी, सिटी ऑनर्स हम का है जी, इग्नू बहुत अच्छा संस्था है, स्थापना सर नहीं इग्नू बहुत अच्छा संस्था है जी जी, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा? इतिहासकार का नाम बता सकते हैं? सर श्री विपिन चंद्रा जी हैं, सतीश चंद्रा जी हैं, रामशरण शर्मा हैं, रोमिला थापर जी हैं, यदुनाथ सरकार हैं, ये सारे चाहिए। रोमिला थापर का क्या कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में? सर से ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एंशियंट हिस्ट्री में उन्होंने काम किया, प्राचीन इतिहास में।
प्राचीन इतिहास में आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा चाणक्य, आपने बताइए चाणक्य किस प्रकार की राजव्यवस्था की बात कर रहे थे? तो एक अखंड भारत की कैसा होना चाहिए अखंड भारत, इसकी व्यवस्था क्या होना चाहिए? व्यवस्था राजनीतिक रूप से उन्होंने जो करा है मतलब कि उच्च स्तर पर जो प्रशासनिक वगैरह उनके तीर्थों का उसमें जिक्र है उनके एक प्रशासन को कैसे चलाया जाना चाहिए। तो भारत में सर एक प्रशासनिक तंत्र का जो सुनियोजित जो ढांचा हमें मिलता है सर वो चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र से हमें प्राप्त होती है सर, जिसमें विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से एक कंट्री को या उस समय आज के कंट्री कह सकते हैं उस समय जो अपने भारत की जो कल्पना थी जो उसमें कल्पना थी उसको कंट्रोल करने की बात करें। आपने देखा होगा कि अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार दिए हैं और जबकि उनके समांतर कुछ और धर्म है वैदिक धर्म भी था, ठीक ना? उसी तरह से देखिएगा यूरोप में एक ईसा मसीह वो भी बहुत पॉपुलर धर्म था लेकिन उस समय यूरोप में जो रोमन शासक है ईसा मसीह क्रूसीफाइड कर देता है। तो ये अशोक ने अशोक से क्या सीखना चाहिए था यूरोप वाले को, क्योंकि अशोक जो है ईसा मसीह से पहले आए हैं, उन्होंने अपना राजव्यवस्था कैसे चलाना उस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और धर्म को कैसे राजव्यवस्था सब करना है, यूरोप क्या सीखता है इससे? यूरोप सबसे पहले सर ये तो अहिंसात्मक जो होना चाहिए राज्य का तंत्र को ऐसा स्थापित करना चाहिए था और सर्वधर्म संभाव की भावना थी उसमें कोई ऐसी अशोक के समय की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बौद्ध धर्म मानने के अलावा बाकी धर्मों का भी प्रसाद दिया ऐसा नहीं था और वहाँ हमने देखा कि जो वन रिलीजन को सप्रेस्टों मतलब बढ़ावा देने के लिए सर जो वहाँ की जो ट्रेडिशन फेथ थी जो रोमन जो आपने बताया सर तो उसके अगेंस्ट ईसा मसीह ने अपने कुछ प्रवचन इस तरह की चीज़ें दी जो उनको अच्छा नहीं लगा या उनकी जो धार्मिक मान्यता थी। तो ईसा मसीह ने कोई प्रवचन नहीं, ईसा मसीह से यह कहे कि एक ईश्वर होता है, ईश्वर की बात प्रवचन का तात्पर्य मेरा ये था आपका जो फेथ है बल्कि आप देखिए अभी यहाँ पर एक जगह हम और आ रहे हैं, ईसा मसीह ने क्या कहा एक ईश्वर की बात किया और जो हमारा जो उपनिषद है जो वेदांत चिंतन है वेदांत चिंतन भी एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, एक ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं, वैदिक धर्म बहुत सारे देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। जब महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ आते हैं उन्होंने क्या कहा ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, उसके बावजूद भी महात्मा बुद्ध पर किसी प्रकार का अटैक हुआ नहीं ना हुआ, भारत के कई राजाओं को संरक्षण दिया और यूरोप में क्या हुआ जब ये ईसा मसीह बोले कि एक ईश्वर है उनको क्रूसीफाइड कर दिया गया, ठीक। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यूरोप को भारत से कुछ सीखना चाहिए था? जी सर सीखना चाहिए। अभी जो हम देख रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि जो साइंस है वो पश्चिम का दिया हुआ ज्ञान है, इसका मतलब क्या है भारत के पास भी बहुत सारे ज्ञान हैं जो यूरोप को सीखना चाहिए था, समझ रहे हैं? चलिए आपने हिस्ट्री का अध्ययन क्या होगा, आपने देखा होगा कि बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, आप इसके बारे में कुछ बताइए, पूरा पॉइंट ऐसे बताइए जिससे हमें लगे कि आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है। सर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत का जो भारतीय इतिहास में जो हमारा कंट्रीब्यूशन बिहार का है सर्वप्रथम देखते हैं तो हम भारतीय स्वतंत्रता हमारा जो ये सत्याग्रह है गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह एक बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे बिहार की तरफ से स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि वहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम अंग्रेज भी को भी झुका सकते हैं इसके थ्रू, जो हमने सत्याग्रह किया था अंग्रेजों की बात माननी पड़ी थी कि तिनकट्ठा जो तिनकटिया पद्धति है जो प्रथा है वो गलत है, तो वहाँ से एक बल मिला सर हमें कि नहीं ये सत्याग्रह का जो ये प्रयास वो सफल साबित हो सकता है और आगे भी इतिहास का करें। दूसरी चीज़ हम देखें किसान सभा का बिहार में हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1929 में और फिर 1936 में अखिल भारतीय सम्मेलन भी होता है अपना यहाँ पे लखनऊ में जिसका स्वामी सहजानंद जो अध्यक्ष बने जो कि हमारे बिहार से ही थे, तो वहाँ और 1942 में देखें भारत छोड़ो आंदोलन में भी हमारी बिहार की भूमिका रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह डॉक्टर अपना जय प्रकाश नारायण जी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर अपना असहयोग आंदोलन में भी सर बिहार के बहुत सारे वकील कॉलेज में छात्र सबने बहिष्कार किया था उसमें और फिर कुछ सिर्फ इंस्टीट्यूशन भी खोलने के बाद बिहार की कुछ महिलाएँ का नाम बता सकते हैं जिनकी योगदान रही है? एक तो सर सुनीति देवी ये शुरू से देखा गया है कि महिलाएं जो है जो राजनीतिक या सामाजिक भागीदारी में थोड़ा पीछे रहती है और हमारा प्रयास भी रहा है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरह की ओर काम करें, इस पर काम किया गया है, इसके बाद भी वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए और आपके अनुसार?
सब सरकार इस प्रयासरत हैं और जो महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं सर उसमें और बढ़ चढ़ महिलाओं की हिस्सेदारी हो, इसके लिए जन जागरूकता अभियान हमें चलाना होगा और महिलाओं को और ज़्यादा सजग करना होगा ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें भारत के योगदान में अपने बिहार के योगदान में अपना कंट्रीब्यूशन दें ताकि हमारे देश और आगे बढ़े और महिला भागीदारी और बढ़े और उनकी जो है उसमें जो उपस्थिति हो एक आदर्श स्थिति में पहुँचे। ठीक है, बहुत अच्छा। आप मुझे बताइए कि ESI का फुल फॉर्म क्या है? ESI का फुल फॉर्म मेरा इन्फोर्समेंट सर्विस करता है। इन्फोर्समेंट सर्विस करता है, तो इसमें इन्फोर्समेंट वर्ड का क्या मीनिंग है? इन्फोर्समेंट वर्ड का तात्पर्य मैडम ये है कि जो मोटर वाहन अधिनियम जो बने हैं 1988 89 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल से या फिर जो राज्य के द्वारा समय समय पर जो भी नियम इसके द्वारा बनाए गए उसका नियमन करना है, उसे इन्फोर्स करने में लाभ करवाने के लिए मुझे बताइए कि बिहार मोटर एक्ट 1994 है, इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि क्या है ये इस एक्ट? मतलब इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें जो करारोपण की बात है जो हम उसे कर लगाते हैं विभिन्न तरह के ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि एक राज्य सार्वजनिक का भी एक महत्वपूर्ण विभाग है तो उसकी ज़्यादातर चर्चा की गई है मैडम जहाँ तक मुझे जानकारी। आपने अभी कर की बात की, आपने सुना होगा कि टोल टैक्स लिया जाता है, ये टोल क्या होता है? टोल का सार्वजनिक मुझे लगता है मैडम जो बैरिगेटर होता है जो वहाँ गेट बने होते हैं, टोल का एक अर्थ कर से भी संबंधित है तो वो सब कर संग जहाँ तक मुझे समझ। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि कोई कॉमर्शियल वाहन है आपका, उसके लिए आप क्या क्या कागजात चेक करेंगे? कॉमर्शियल वाहन के लिए सर्वप्रथम एक तो वाहन का रजिस्ट्रेशन पेपर चाहिए, दूसरा पॉल्यूशन अंदर सर्टिफिकेट जो होता है पीयूसी उसकी जरूरत है, इंश्योरेंस होनी चाहिए, एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए व्हीकल पर, गाड़ी के दशा फिटनेस पास होना चाहिए उसके फिटनेस परमिट पर मानता होगा उसका वो एक परमिट होती है स्टेट में चलने की वो होनी चाहिए। आपने आपने इंश्योरेंस के लिए कहा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब तात्पर्य ये है कि फर्स्ट पार्टी तो मैं हो गया, सेकेंड होती है कंपनी, थर्ड होती है वो जो भी कुछ जो हमारी गाड़ी के नीचे आ गए या किसी कारण में दुर्घटनाग्रस्त हो गए या उसको क्षतिपूर्ति का उन्होंने दावा किया है तो थर्ड पार्टी है। इंश्योरेंस ऐसी स्थिति में जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो उनको सर मुआवजा देने के लिए जो इसलिए शब्द का जो आपकी हॉबी है हिंदी संगीत सुनना, कोई दो तीन गानों का ऐसे बोल बताइए जो आपको पसंद है? सर दो तीन गाने ए मेरे हम सब एक ज़्यादा है। किस मूवी का गाना है सर? कयामत से कयामत से किसने गाया है इसको? सर उदित नारायण। उदित नारायण, क्यों आपको ये गाना अच्छा लगता है? एक्चुअली 90s के दौर में सब मैं बड़ा हुआ तो 90s के ज़्यादातर गाने मुझे अच्छे लगते हैं। ये जो मूवी है इस मूवी में अंत में लड़का और लड़की दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन दिया था इस मूवी से, ठीक है, लेकिन फिर भी उदित नारायण का करियर चमका था इससे, ठीक है। और कुछ दूसरा गाना? राधा रानी का गाना है। कौन सा? परदेसी परदेसी गाना। बहुत अच्छा गाना कुछ। तो ये बताइए कि संगीत जब आप सुनते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? क्या सुर लय ताल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन सब पक्षों का भी टेक्निकल पक्ष का ध्यान रखते हैं या केवल बोल का और लय का? जहाँ तक तकनीकी पक्ष का सवाल है सर तो ज़्यादा जानकारी तो हमारे पास नहीं है उसकी, लेकिन कर्णप्रिय होना चाहिए सर, मधुर लगता सुनने में, इस वजह से मैं सुनता हूँ। कोई गाने के दो लाइन गा कर सुना सकते हैं? हाँ सर सुना सकते हैं, बताइए। राजा को रानी से प्यार हो गया, तेरे नजर के पार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए और लास्ट लाइन तेरे नजर दिल के पार, तेरे नजर दिल के पार। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यह बताइए कि वर्तमान में जहां आप काज कर रहे हैं और यहां क्यों आना चाहते हैं, मतलब इस पद के लिए क्यों आना चाहते हैं? सर उसकी दो तीन मुख्य बातें हैं। एक तो सर मेरा जो वेतनमान है, मैं वेतनमान लेवल 2 स्तर पर काज कर रहा हूँ, लेवल 2। दूसरी चीज़ ये भी है थोड़ा हमारा होम स्टेट है
विदेश राज्य है तो यहाँ जुड़ाव रहता है कहीं ना कहीं आपके मन में, चाहे आप कहीं सर्विस करते हैं। दूसरा पक्ष तो ये है, तीसरा इस परिवहन लाइन से मैं बहुत दिनों से जुड़ा रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है। ये बताइए कि अगर आप मान लीजिए कि ESI के रूप में सेलेक्ट होते हैं और ऐसा पाते हैं कि ये जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बिहार में आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, वैसी परिस्थिति में तो मुझे लगता है कि आयु भी आपके लिए काफ़ी थोड़ा एक सीमा बनेगी, तो ये बताइए कि अगर इस तरह का आप पाते हैं कि जो कम्फर्टेबल नहीं है, आप जिस पद पर कार्य कर रहे हैं वर्तमान में और जिस पद पर जाने वाले हैं, वैसी परिस्थिति में करियर का अन्य विकल्प आप क्या रखेंगे? सर एक और अंतिम प्रोग्राम में है तो हमें बिहार लोक सेवा आयोग वगैरह चलिए ठीक है। थैंक यू सर। कम बैक प्लीज, कम बैक फॉर फीडबैक। मैं थोड़ा फोन आ गया था इसलिए मैं व्यस्त था, ठीक है, वो घर से एक अर्जेंट कॉल था। मेरे ख्याल से आपने जितने भी जवाब दिए हैं कि गाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो तो क्या करना चाहिए, बड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा फंस गया कि मैं बार बार ये बताता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए आप नए चयनित नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो आप पहला लाइन ये बोलें कि मैंने पूरी स्तर से प्रयास किया और मैं काफ़ी आसान्वित हूँ सर इससे। उसके पश्चात आप बनाएंगे कि एक जॉब को जब आप छोड़ के दूसरे जॉब में आते हैं ना तो एक वर्ड यूज़ होता है लियन, शायद आपने सुना होगा कि आप चाहें तो ये छोड़ करके फिर वहाँ जा सकते हैं। अब देख लीजिए ऐसा है क्या, ऐसा प्रोविज़न है कि एक जॉब छोड़ के जब आप दूसरे जॉब में आते हैं तो वहाँ एक शर्त के तहत आप रेजिग्नेशन देते हैं कि कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों मगर ये जो किसी कारणवश मैं छोड़ के वापस जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। एक लियन LIEN बोल के लियन पीरियड, लियन ऐसे ही कुछ पीरियड है वो, देख लीजिए मैं जानना चाह रहा था उसी के बारे में। ठीक है मैडम ने कुछ पूछा आपसे, ये बताइए। ठीक है आपका जो है ना हिस्ट्री का भी नॉलेज बहुत अच्छा है, जवाब दिया इतिहास में।